अस्सलामुअलैकुम। मैं ये सारे जवाब बहिश्ती जेवर से दे रही हूँ। अगर आप कोई जानवर लेकर आए और जानवर लाने के बाद उसमें आपको ऐब नज़र आए तो क्या करें? या फिर आप गाय ख़रीदने गए मंडी में और रात के वक्त जानवर के मालिक ने आपको बेवकूफ़ बना दिया और एक अंधी गाय को कंचा डाल के बेच दिया तो आप क्या करेंगे? घर लाने के बाद पता चला कि गाय में कोई बीमारी है तो फिर क्या करें? गाय सुजुकी में घर लेकर आए, लाने के बाद जब उतारा तो उसकी टांग टूट गई तो फिर क्या करें? या जानवर घर लाने के बाद पता चला कि जानवर के पेट में बच्चा है तो फिर क्या करें? या कुर्बानी के बाद बच्चा ज़िंदा निकल गया तो फिर क्या करें? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। अगर जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीद लिया फिर कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो इसके बदले दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करें। अलबत्ता अगर गरीब आदमी हो जिस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं तो इसके लिए इसी जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। घाबन जानवर की कुर्बानी। घाबन जानवर की कुर्बानी जायज़ है, फिर अगर बच्चा ज़िंदा निकले तो इसको भी ज़ुबा कर दें।